मेरा नाम हर्षिका सिंह है और इस साल की सिविल सर्विसेज परीक्षा में मेरी 169th रैंक आई है। तो सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने का मेरा बचपन से ही एक सपना था, जो स्टार्टिंग से मुझे पता था कि मुझे इसी फील्ड में जाना है। और बचपन से ही एक अच्छी स्टूडेंट होने की वजह से मुझे ये भी पता था कि हाँ, मेहनत के साथ इस पेपर को मैं सक्सीड कर ही जाऊँगी कैसे ना कैसे। 10th 12th गाज़ियाबाद से करने के बाद 94% मेरी दोनों में थी 10th 12th में, जिसके बाद मैंने सिविल इंजीनियरिंग करी IIT लखनऊ से। उसके बाद मैंने डिसीजन लिया इस परीक्षा में अपीयर होने का और तैयारी करने की, और इस साल मुझे सक्सेस मिली है एज 169th रैंक एंड एज IAS ऑफिसर। सून आई विल बी ज्वाइनिंग द सर्विसेज। और इसी अटेम्प्ट में PCS 2020 में मेरी 15वीं रैंक आई थी और एज एन डिप्टी कलेक्टर मेरा चयन हुआ था। तो इसकी पूरी परीक्षा एक काफ़ी लंबा प्रोसेस रहता है, काफ़ी पढ़ने का, क्योंकि इंडिया की टफेस्ट परीक्षा मानी जाती है, तो काफ़ी लंबा प्रोसेस तो रहता ही है इसकी तैयारी का, जिसमें कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आप कितना पढ़ रहे हैं, कितने आवर्स दे रहे हैं, प्लस कितना डेली दे पा रहे हैं। एक दो दिन की पढ़ाई नहीं, इसमें पूरा आपका साल भर की मेहनत जो है दिखती है, जिसमें आपके पेरेंट्स, फैमिली, फ्रेंड्स सबका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है इसमें। फैमिली का कितना सपोर्ट रहा आपको, कितने घंटे आप लोगों ने पढ़ाई करी? जी, फैमिली का मेरा काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट था। मेरी फैमिली काफ़ी एजुकेटेड फैमिली है एंड वो हमेशा से चाहती थी कि मैं सिविल सर्विसेज ज्वाइन करूँ। तो हमेशा मोटिवेट करने में, मुझे बताने में कि मैं कर सकती हूँ, और हमेशा पढ़ाई में साथ देने में, डिस्टर्ब ना करने में, जब मुझे ज़रूरत थी साथ देने में, पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल था। और डेली 8-10 घंटे मेरे पढ़ाई में लग जाया करते थे, जो कि मैं डेली करके एक इस पेपर को क्लियर कर पाई हूँ। तो मुझे लगता है कि इसमें हार्डवर्क के साथ साथ कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आपके चाहने वालों का, आपके फ्रेंड विशर्स, वेल विशर्स का, क्योंकि इस पेपर में बहुत टाइम लगता है, तो जो आपको मोटिवेट करता रहे, समय समय पे आपको याद दिलाता रहे कि हाँ, आपको ये पेपर निकालना ही निकालना है, उनका सपोर्ट रहना बहुत एक अच्छा रहता है आपके लिए पूरी प्रोसेस में।